वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन एंड लाइफ विद एडिली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैंने संडे का व्लॉग डाला है जो कि 3 दिन लेट हो चुका है, लेकिन है ये संडे का, तो ये सुबह सुबह का वक्त था। कल शाम में ही मेरा ये पार्सल आया था जो कि मैंने द्रास से ऑर्डर की थी, डर्माकोल फाउंडेशन, जो कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा बॉक्स तो ऐसे भेज दिया जिसना पता नहीं अंदर कोई 5-6 चीज़ें मैंने मंगवाई, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी ट्यूब थी जो मैंने बेस मंगवाई थी पहले। अच्छा, इसमें मैंने कट लगा दिया, बाद में मुझे पता चला कि इसकी तो टेप इजीली रिमूव हो सकती है, तो मैंने इसके रिमूव किया। और ये देखिए आप, बहुत ही फनी बात है वैसे, इतना बड़ा बॉक्स उन्होंने मुझे सेंड कर दिया, अंदर छोटी सी ये फाउंडेशन है। तो यहाँ मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। एक्चुअली मुझे चेक करना था इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको मंगवाया था। तो मुझे, मैंने एक दफ़ा ही उसके बाद यूज़ किया तो मुझे इसकी कवरेज अच्छी लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ अपने हैंड पर यूज़ करके। तो ये हम, मैं आपको अपने हैंड पे लगा के दिखाऊंगी। इसके अंदर पहले इसको खोलना था, इसकी कैप से ही मैंने इसको खोल लिया था। अच्छा जी, इसकी काफ़ी हाई कवरेज कंसिस्टेंसी है। अच्छा, मैंने जितनी भी दराज से चीज़ें ऑर्डर की अभी तक मैंने उनका फ़ीडबैक नहीं दिया, तो मैं किसी दिन टाइम निकाल के उनका फ़ीडबैक भी दूंगी, उनको पिक्चर भी सेंड करनी है। काफ़ी चीज़ें मैं मंगवा चुकी हूँ दराज से, कई दफ़ा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कई दफ़ा अच्छा नहीं रहा। ये आप देख सकते हैं इसकी कवरेज, बहुत हाई कवरेज है ये। अच्छा, जब मैंने ऑर्डर की थी मुझे लग रहा था मेरी स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने लगाई तो तब नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने जो मंगवाया था कलर एग्जैक्ट वही आया था। ये इसकी सारी डिटेल है इस पेज में। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संडे था, तो मैंने सोचा सर्दियां आ गई, थोड़ी सर्दियों के ड्रेसेस निकालती हूँ, तो ये थोड़ा काम वाला ड्रेस मेरा पड़ा था, ऐसे ड्रेस पड़े ही रहते हैं ज़्यादातर, तो मैंने ये निकाला, लेकिन फिर मैंने इसको पहना नहीं। लेकिन मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ, बहुत खूबसूरत ये कलर है और इसके ऊपर पर्ल से काम हुआ है। तो इसको फिर मैंने वापस ही हैंग कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पहनना था, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था क्योंकि मैंने बाहर भी जाना था और रुमान को भी उठाना होता है, तो इतना हैवी घर में पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ये बहुत खूबसूरत कलर है। और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो जामावार का कपड़ा है और लाइट सा दुपट्टा है इसके साथ, इसके ऊपर कढ़ाई हुई है। अच्छा सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मोरिंगा आजकल यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे घर के पास एक ट्री है, उधर से मैं मोरिंगा के लीव्स लेती हूँ फ्रेश और उनको ड्राई करती हूँ। 7 या 5 डेज़ तक वो ड्राई हो जाते हैं, फिर मैं उनको, उनका पाउडर बना लेती हूँ और फिर उसको वेट लॉस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद हम चल पड़े थे बाहर क्योंकि हमें बाहर से खाना खाना था और रुमान को थोड़ा आउटिंग के लिए लेके जाना था पार्क में, तो हम निकल पड़े थे यहाँ पे, हम जा रहे हैं रास्ते में। अच्छा, यहाँ से मैंने अपने लिए सैलड लिया था क्योंकि मैं हेल्दी ईटिंग पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो यहाँ मैंने अपने लिए सैलड ले लिया था और उसके साथ पिज़्ज़ा लिया था और विंग्स लिए थे, क्योंकि मुझे बाहर का जो है ना आजकल कम से कम खाने का मेरे ध्यान है, तो हमने बस ले
और इन्जॉय किया। अच्छा पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, साथ में विंग्स भी बहुत क्रिस्पी और मज़े की थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और सैलड भी बहुत ही मज़े का था, इसमें मैंने 2-3 वैरायटी के सैलड ऐड कर दिए थी और साथ में मैंने 2 टाइप्स की सॉस ले ली थी। और यहाँ मैं अपनी वीडियो बना रही थी, मैंने ग्रीन ड्रेस डाल लिया था। अच्छा खाना वाना खाने के बाद फिर हमने सोचा हम एक पार्क में चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। धूप हल्की हल्की सी निकली थी, असर का ही टाइम था। तो हम यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक घर, ये वाइट कलर का, और माशाल्लाह पढ़ दीजिएगा देख के, बहुत ही खूबसूरत था ये घर। और संडे के दिन हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो डेली बेसिस पे इंसान बहुत उतार जाता है घर रह रहकर, तो हमें चाहिए कि एक कोई एक दिन बाहर जाएं, थोड़ा माइंड फ्रेश करें और बाहर का वेदर इंजॉय करें, खाएं पिएं और फिर घर आएं। हम बस थोड़ी देर ही रुके थे क्योंकि रुमान बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए हम जल्दी ही वहाँ से निकल पड़े थे थोड़ा बहुत बैठ कर। और काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि संडे के दिन सब पेरेंट्स अपने बच्चों में थोड़ा आउटिंग के लिए बाहर लेके आते हैं, और लाना भी चाहिए क्योंकि इंसान डेली स्कूल कॉलेजेस या घर की रूटीन से बहुत ज़्यादा बिजी रहकर तंग आया होता है, तो एक दिन इंसान को माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जरूर जाना चाहिए। अच्छा जी यहाँ हम भी थके थे तो हम घर जाने की तैयारी करने लगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप पार्क की सैर कीजिए। मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।